कैसे हैं आप सभी छात्र छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आया हूं। टेस्ट नंबर 13 है और टॉपिक है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, ठीक है, या चाइल्ड डेवलपमेंट कुछ भी कह सकते हैं इसे लोग, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9 है और इस जो टॉपिक नंबर 9 है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, मतलब जो बच्चे का सामाजिक निर्माण होता है या बच्चा जो समाज में पलता है, बढ़ता है, फूलता है, उसमें जो समाज है उसमें क्या इंपोर्टेंस है, कैसे भेदभाव होता है, कैसे नहीं होता है, एक अध्यापक की क्या इंपोर्टेंस है उसमें, ये सब चीजें हमें आज देखनी है और पढ़नी है। तो याद रखना टॉपिक नंबर 9 और टेस्ट नंबर 13, ठीक है। आप सभी बच्चे कंटिन्यूटी के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि जो आगामी परीक्षा है वो बहुत जल्द जुलाई अगस्त तक होने वाली है, जुलाई में उम्मीद है पूरी की पूरी, तो आप उसी के हिसाब से अपनी कंटिन्यू तैयारी को लेकर आगे बढ़े। और इससे पहले जो टेस्ट है वो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, SST का प्ले लिस्ट में है, SST के टेस्ट भी प्ले लिस्ट में है, भाषा हिंदी लैंग्वेज जिस बच्चे की हिंदी है वो भी क्लास प्ले लिस्ट में है और टेस्ट भी प्ले लिस्ट में है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़े, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सत्य है। मतलब आप एक अध्यापक हैं, हमारे अनुसार अध्यापक टीचर के अनुसार कौन सा कथन उसमें सही है। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ए ऑप्शन है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। बी ऑप्शन है, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, मतलब ए भी और बी भी दोनों। डी ऑप्शन है, लड़कियों को घर के कार्य में कार्य करने चाहिए, घर के कार्य करने चाहिए। तो बताइए इसमें लड़कियों लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें जो कथन सत्य है वो है लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो ए आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर, एक टीचर है कोई, कोई कमेटी है उसका मुखिया प्रधान है, वो सभापति है और सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है, यह संकेत करता है कि अध्यापिका, मतलब जिसने एक टीचर ने सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख दिया है, तो ये किस और संकेत करता है कि टीचर ने क्यों लिखा है, टीचर का क्या उद्देश्य है। ए, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, मतलब ए ऑप्शन कह रहा कि वो इसलिए लिखा है उसने कि उसे भाषा का ज्यादा ज्ञान है, भाषा की अच्छी पकड़ है उसकी। दूसरा ऑप्शन कह रहा, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, मतलब मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं करती वो अध्यापिका। सी कह रहा, लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है, मतलब लिंग पूर्वग्रह जो है उससे वो ग्रस्त है टीचर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है बी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, मतलब वो मेल और फीमेल के बीच में कोई भी अंतर नहीं करती और मेल और फीमेल को मुक्त होते हुए वो लिख रही है और किसी भी समस्या से वो, ये उसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि मेल है या फीमेल है, दोनों को बराबर का अधिकार देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, मतलब एक कक्षा में अध्यापक द्वारा जेंडर लिंग विभेद क्या है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। बी, शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। सी, ए और बी दोनों। डी, केवल दूसरा। बताइए इसका आंसर क्या है।
बताइए। वेरी गुड, इसका जो हमारा आंसर है वो है, ये का है, का कारण आंसर हो जाएगा हमारा बी, शिक्षार्थियों के सर्वमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। निष्पादन मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक कक्षा है, आप अध्यापक हो, अध्यापिका हो वहां पर, तो आपको जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, क्या करना चाहिए। एक, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ए ऑप्शन कह रहा है कि लड़कों को जोखिम उठाने के लिए और उन्हें निर्भीक बनाने के लिए, बिना निडरता के साथ, बिना डरे भरे वो काम करें, उन्हें प्रोत्साहित करना। बी कह रहा, लड़कों व लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिका में रखना चाहिए, अपारस्परिक अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। मतलब बी ये कह रहा कि लड़के और लड़कियों को दोनों से परंपरा से रखते हुए अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। सी कह रहा केवल प्रथम, और डी कह रहा केवल दूसरा। बताइए इसका आंसर क्या है हमारा। इसका हमारा आंसर है डी, केवल दूसरा, ठीक है। लड़कों में लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, मतलब परंपरा से हटते हुए उन्हें बिल्कुल निर्भीक और निडरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक भूमिका के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। बताइए जो सामाजिक भूमिका के कारण जो विशिष्टताएं आती है वो क्या कहलाती है। बताया वाली बात, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, बी जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, सी जेंडर भूमिका दबाव, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर है हमारा बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, तो बी आंसर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5-6, समाजीकरण में शामिल है सांस्कृतिक संचरण। समाजीकरण में शामिल है सांस्कृतिक संचरण, कौन सा, व्यक्तित्व विकास, मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, सी बच्चों के लेवलों में, मतलब जो बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग समायोजित करना। बताइए इसका हमारा जो आंसर है वो है व्यक्तिक व्यक्तित्व का विकास, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है हमारा। विद्यालय में लिंग भेदभाव से, कोई विद्यालय चाहे कोई भी हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, संस्थान हो, कुछ भी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। विद्यालय में भेदभाव से बचने का या बचाने का या भेदभाव रहित रहने का सबसे अच्छा तरीका या सबसे अच्छा स्रोत या सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है सकारात्मक। ए ऑप्शन, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का संज्ञान, मतलब जो बच्चे हैं अगर कोई लिंग से संबंधित भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो उनका एक अध्यापक को संज्ञान होना जरूरी है। दूसरा है पुरुष व महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तीसरा है ए और बी दोनों, मतलब अध्यापक को संज्ञान भी हो लिंग भेदभाव से संबंधित पक्षपातपूर्ण है, और दूसरा ये कह रहा सी कि शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती होना, ये भी होना चाहिए। डी कह रहा कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा ए, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का संज्ञान होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा कक्ष में
शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को डॉट डॉट करते हैं, यह सीखने का वातावरण डॉट डॉट, दो फिलिंदा ब्लैंक है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डॉट डॉट करते हैं, यह सीखने के वातावरण डॉट डॉट। ए, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। बी, निर्मित पर प्रभाव डालता है। सी, रूपांतरित को दुग्ध करता है। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डॉट डॉट करते हैं, सीखने के वातावरण को रूपांतरित को दुग्ध बनाता है, मतलब परिवर्तन को आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट से बचाती है, मतलब किस चीज से वो बचाती है, अगर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो किस चीज से भेदभाव क्या होना चाहिए उसके अंदर, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, सी, लैंगिक पूर्वाग्रह, मतलब जो मन में पहले से ही कि महिला है, पुरुष है, ये लड़की है, मैं लड़का हूं, इस तरह की चीजें, लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी पाठ्य जो पुस्तक होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, मतलब जो मन में पहले से बातें हैं उन्हें दूर करती है और इक्वलिटी पर ध्यान देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि जो पुरुष है वो महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यह कथन क्या है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, मतलब बुद्धि के जो अलग अलग पक्ष है उनके लिए सही है। डी, कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर यह हो जाएगा कि ये इस तरह के जो कथन है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो पहले से ही मन में बातें चली आ रही है, जो ट्रेडिशनल तरीका है कि नहीं महिलाएं बाहर नहीं निकलनी चाहिए घर से, महिलाओं का काम है घर में काम करना, लड़की ज्यादा ना पढ़ी लिखी होनी चाहिए, महिला अगर घर से बाहर निकले रुपट्टा ओढ़ के निकले, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है, मतलब वो विद्यालय लड़कों की अपेक्षा करता है और लड़कियों को वरीयता देता है, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए वरीयता देता है। तो ये जो है सेंटेंस या क्वेश्चन क्या प्रदर्शित कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को, वैश्विक प्रवृत्ति को, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सी, परियोजनात्मक उपागम को, बताइए किसे प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। भाई लैंगिक पूर्वाग्रह कब नहीं होने का, वो तब नहीं होगा जब लड़के और लड़की के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई दोनों के बीच इक्वलिटी होनी चाहिए, दोनों के बीच समानता होनी चाहिए, दोनों के बीच कोई भी अध्यापक हो, स्कूल हो, संस्था हो, घर हो, परिवार हो, कोई भेदभाव ना करे, तब लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई, उन्हें कहता है सिलाई कर लो, बुनाई कर लो, में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। एक अध्यापक ये कह रहा कि आप लड़की हो, आप घर का काम करो, सिलाई करो, बुनाई करो, कताई करो, रोटी बनाओ, खाना बनाओ, ये सब चीजें आपका काम है, तो ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, मनोवैज्ञानिक चिंतन को, रूढ़िबद्धता को, प्रगतिशील चिंतन को, तो बताइए किसे प्रदर्शित कर रहा, ये प्रदर्शित करता है रूढ़िबद्धता को, वही लैंगिक भेदभाव, रूढ़िबद्धता मतलब लैंगिक भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 13, लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डॉट डॉट को दर्शाता है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, रूढ़िवादिता, ए बी दोनों को, ए बी दोनों मतलब मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति भी
और रूढ़िवादी था भी, और सी ए, ए और बी दोनों को, यह दर्शाता है रूढ़िवादिता को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, छात्रों से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? अपोजिट प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, गलत प्रभाव किस पर पड़ता है? ए, उनके सामाजिक उत्थान पर, मतलब जो उनका सामाजिक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। बी, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, जो उनकी सामाजिक सोच है, जो उनके विचार है, जो उनके थॉट है, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। सी, उनके शैक्षणिक विकास पर, उनकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डी, उपरोक्त सभी पर। बताइए, छात्रों से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव मतलब गलत प्रभाव पड़ता है। देखो, सामाजिक उत्थान पे भी पड़ता है गलत प्रभाव, सामाजिक दृष्टिकोण पे, उनकी सोच विचार पे भी पड़ता है, और शिक्षा पे भी पड़ता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डॉट डॉट को नकारना चाहिए, मतलब किस चीज को अध्यापक को अपनी कक्षा में एंट्री नहीं होने देनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जो कक्षा में अध्यापक को रखनी नहीं चाहिए? ए, छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, विकार मतलब उनकी जो समस्या है उसे दूर। बी, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। सी, ए वे बी दोनों को। डी, कोई नहीं। देखो, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में या कक्षा के अंदर या उसके दिमाग में लैंगिक भेदभाव से संबंधित कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। लैंगिक भेदभाव पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से उससे हटके काम करना चाहिए, और दोनों को इक्वल समझते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। एक अध्यापक को सकारात्मक सोच होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। तो एक अध्यापक को छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नहीं रखना, होने देना चाहिए। तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? मतलब एक उपाय क्या होना चाहिए लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए छात्र और छात्राओं के बीच? छात्र एवं छात्राओं के समान अधिकार देना, मतलब लड़के और लड़कियों को, दोनों को बराबर का अधिकार देना। बी, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य में बराबर अधिकार देना, दोनों को मतलब बराबर का, इक्वालिटी का अधिकार। सी, छात्रों को छात्रों के समान शैक्षणिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना, मतलब बराबर शिक्षा उपलब्ध कराना। डी, सभी सत्य है। बताइए, देखो, एक अध्यापक को समान अधिकार भी देना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो इक्वालिटी पे काम करना चाहिए, समान कार्य में बराबर का अधिकार देना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो दोनों को बराबर का अधिकार होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता, समान शैक्षिक योग्यता, दोनों को बराबर योग्यता शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए व्यवस्था में आवश्यक उपाय है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। ए, छात्र व छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, असमान मतलब अलग अलग। बी, छात्र छात्राओं के लिए एक समान प्रावधान, बराबर प्रावधान, उसके लिए भी इतना ही प्रावधान होना चाहिए, उसे भी इतना ही अधिकार हो, उसे भी इतना ही अधिकार, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बराबर का अधिकार। ए वे बी दोनों, और डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए, इसमें है छात्र छात्राओं को एक समान प्रावधान, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। छात्रों के निजी संसार पर, संसार भी कह सकते हो, जीवन भी कह सकते हो, निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? छात्रों के निजी संसार पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का, डी है सभी का। बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। छात्रों के निजी संसार पर या निजी जीवन पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक मान्यताओं का भी पड़ता है, जो रूढ़िवादिता होती है,
परिवार में उनका स्थानगत प्रभाव पड़ता है और आंसर हो जाएगा सभी का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सृजनात्मक चिंतन होता है ए उच्च अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन। अपसारी होता है एक्सटर्नल और अभिसारी होता है इंटरनल। सी मूल्यांकन, डी भाषा विकास। सृजनात्मक जो चिंतन होता है, जो नई नई चीजों का आविष्कार करता है, नई नई बातों का सोच विचार जन्म देता है, वो होता है उच्च अपसारी चिंतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है, मतलब कोई भी व्यक्ति दो समान नहीं हो सकते, उसका प्रमुख कारण क्या है, या कोई भी दो बच्चे इक्वल नहीं हो सकते, कोई भी दो अध्यापक बराबर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ किसी में कुछ अच्छाई पाई जाएगी, किसी में कुछ बुराई पाई जाएगी, तो ये सब चीजें क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। वातावरण, मतलब जैसे एनवायरमेंट मिला वैसे उसका विकास हुआ। वंशानुक्रम, माता पिता से प्राप्त जीन। आयु, एज का इफेक्ट पड़ता है, अगर एज कम होगी टीचर की तो कम उसका जो माइंडली विकास है या उसकी सोच कैपेसिटी है समझने की, वो कम होगी कहीं ना कहीं। डी ए उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण में आ जाएगा सभी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, सभी का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट जो मैंने आप लोगों को कराया है और एक कोर पॉइंट समझाया है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट नंबर 13 अध्याय 9 और टॉपिक है सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे। टॉपिक 9 से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा काम आपका बनता है कि आप इन्हें एक से दो बार पढ़ लें। ठीक है, बाकी इस टॉपिक से आप चाहे अंदर भी ना पढ़े, इतना सफिशिएंट है अगर आप इतनी तैयारी करके एग्जाम में बैठते हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर पूछे गौड़। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और ऑनलाइन क्लास का जो ऐप है वो है विनायस कैंपस ऐप। आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से जाकर, और उस पर अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो उस पर सब शेड्यूल पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके चेक करें। थैंक यू।